क्या गाइज आप लोग मेरा गिल्ड को ज्वाइन करना चाहते हो? अरे हाँ भाई हाँ। तो गाइज बिल्कुल टेंशन मत लेना क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं तुमको यही बताने वाला कि तुम लोग मेरे गिल्ड को कैसे ज्वाइन कर सकते हो। गाइज आप सभी लोगों को ये इवेंट तो दिख ही रहा होगा जहाँ पर आप लोगों को एक ईबुक रोजा और उसी के साथ यहाँ पर देखो गाइज रिवेज मिलने का भी मौका है। तो गाइज अब यहाँ पर बात ये आती है कि कैसे आप लोगों को ये दोनों के दोनों चीज मिल सकते हैं। तो गाइज इसी वीडियो में बने रहना, मैं आज आप लोगों को यही बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग गिल्ड को ज्वाइन कर सकते हो और ये दोनों रिवार्ड फ्री में ले सकते हो। गाइज इन सारी चीजों से पहले आप लोग मेरा गिल्ड जो देख लो कि गिल्ड मेरा कैसा है। और गाइज यहाँ पर 24 ही प्लेयर मेरे गिल्ड के अंदर है और गाइज आप लोगों को बहुत बड़ा मौका है यहाँ पर मेरे गिल्ड के अंदर आने का और टूर्नामेंट खेल करके ये दोनों के दोनों रिवार्ड लेने का। गाइज यहाँ पर ये बात आती है कि गाइज आप लोगों को ऐसे गिल्ड को ज्वाइन कैसे करना है। तो गाइज सबसे पहले तो मैं आपको गिल्ड का क्राइटेरिया बता देता हूँ। जहाँ पर गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए गाइज आपका 50 लेवल से ऊपर होना चाहिए और इसी के साथ गाइज आपका रैंक जो है CS और BR दोनों में ही हीरोइक का होना चाहिए। अब गाइज मैंने इतना कम क्राइटेरिया इसलिए रखा है ताकि हर एक प्लेयर को कम से कम एक बार चांस मिलना चाहिए गिल्ड टेस्ट देने का। अब देखो गाइस यहाँ पर बात आती है कि आपको गिल्ड टेस्ट देने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखो गाइस गिल्ड के जितने भी बंदे तुम लोग देखोगे वो लोग ज्यादा टॉपअप तो नहीं करते लेकिन खेलते बढ़िया। तो गाइस आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अब का क्राइटेरिया गाइस चेंज हो चुका है। पहले गाइस था क्राइटेरिया अपना 1v3 में 3 राउंड, लेकिन गाइस आपको 1v4 में अब 4 राउंड निकालना पड़ेगा, यानी 3 राउंड निकालना पड़ेगा 1v4 में, तब जाकर के आप अपने गिल्ड में ज्वाइन कर सकते हो। अब गाइस बात आती है कि आप लोगों को गिल्ड टेस्ट देना कहाँ है और कैसे देना है। तो भाई सबसे पहले तो गाइस अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में कॉल पे सेट कर दो और इस वीडियो को गाइज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि वो भी हमारे गिल्ड को ज्वाइन कर सके। चलो गाइज आपको बताता हूँ कि गाइज मैं यहाँ पर डेली स्ट्रीम करता हूँ, गिल्ड टेस्ट लेता हूँ। तो गाइज आप लोगों को गिल्ड टेस्ट देना है तो आप लोगों को स्ट्रीम के ऊपर आना पड़ेगा। गाइज उसके लिए कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना ताकि जब भी मैं लाइव स्ट्रीम करूँ, जब भी मैं फुर्सत में रहूंगा मैं लाइव स्ट्रीम करूंगा और वहां पर आकर के आप लोग अपना गिल्ड टेस्ट दे सकते हो। गाइज पहले ही बता देते हो कि गाइज बहुत सारे बंदे क्या करते हैं कि लाइव स्ट्रीम पर आते और चिल्लाना स्टार्ट कर देते कि भाई गिल्ड टेस्ट गिल्ड टेस्ट गिल्ड टेस्ट और भाई बहुत ज्यादा वो स्पैम करते चैट के अंदर। लेकिन गाइस उसको बता दूं कि अगर आप लोगों को गिल्ड टेस्ट देना है गाइस तो आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस स्ट्रीम पर थोड़े देर तक रुकना है, मैं तुम्हारा गिल्ड टेस्ट जरूर लूंगा। गाइस अगर बैकग्राउंड से कुछ नॉइस आपको सुनाई दे रहा है तो गाइस उसके लिए माफ करना क्योंकि यार बगल में काम चल रहा है तो थोड़ा सा नॉइस आपको सहना पड़ सकता है। अब चलो गाइस बात कर लेते हैं अपनी गिल्ड के कुछ रूल्स के बारे में। तो गाइस रूल्स अपना है कि गाइस आप लोग गिल्ड के अंदर कुछ गाली वगैरह नहीं भेज सकते या किसी को भी गाली नहीं दे सकते। आप लोग गिल्ड के प्लेयर्स के साथ 1v1 वगैरह करो लेकिन गाइस एकदम फ्रेंडली मैच होना चाहिए, उसके अंदर आप जैसा खेलना चाहते हो वैसा खेल सकते हो। लेकिन भाई किसी को भी गाली देना एकदम मना है, अगर आप गाली दिए धरा जाते तो भाई आपको किक आउट कर दिया। और इसी के साथ अगर आप लोग गाइस गिल्ड टेस्ट देकर के आए हो तो गाइस आपको कभी भी गिल्ड किक नहीं किया जाएगा। अगर आप लोग गिल्ड में ऑनलाइन नहीं आते हो तो आपको किक किया जा सकता है, ये एक रीजन है गाइस। बहुत सारे बंदे क्या करते हैं ना, गिल्ड टेस्ट देने के बाद गिल्ड में आ जाते हैं और गिल्ड से कोई नाता रिश्ता ही नहीं है भाई, कब तक ऑफलाइन, 3-3 दिन 4-4 दिन गाइस वो लोग ऑफलाइन रहते हैं। तो वैसे बंदों को मैं किक आउट कर देता हूँ, जैसे कि कुछ कुछ बंदे 2 दिन से ऑफलाइन है तो गाइज मैं उसको किक आउट कर देता हूँ। इसलिए और गाइज यहाँ पर याद रखना पड़ेगा एक और यहाँ पर रूल है गाइज अपनी गिल्ड का कि गाइज अगर आप लोग गिल्ड में आए हो तो गाइज जिस दिन सैटरडे होता है, जिस दिन डॉग टैग अपना कंप्लीट होता है, उस दिन गाइज आप लोगों को बहुत ज़्यादा गेम खेलना पड़ेगा ताकि अपना लोग का जो गिल्ड का डॉग टैग है वो बहुत ज्यादा से ज्यादा हो सके। और इसी के साथ गाइज एक और रूल है जहाँ पर आपको गाइज गिल्ड में रहना है तो भाई आपको गिल्ड में गेम प्ले मतलब गेम खेलना पड़ेगा, जैसे कि BR या CS, उसमें गाइज मास्टर रख लेना, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। जब मानता हूँ कि जब रैंक मतलब गिल्ड टेस्ट दे दोगे तब तुम्हारा रैंक थोड़ा कम रहेगा, लेकिन जब गिल्ड में आ जाओगे तो ब्रो कम से कम ट्राई करना कि मास्टर तो करना ही है भाई, CS या BR किसी एक में जरूर से कर लेना। तो गाइज मैं आप बता देता हूँ कि गाइज आप लोग बहुत सारे बंदे क्या करते हैं गिल्ड में आ जाते हैं उसके बाद बहुत दिन तक ऑफलाइन रहते हैं, तो वो बिल्कुल मत करना। आपको गिल्ड में आना है तो ब्रो आपको गेम खेलना पड़ेगा। इतना बात तो गाइज हम लोगों ने कर लिया, आप बात करते हैं कि गिल्ड टूर्नामेंट कैसे करना है आप लोगों को गाइज, तो मैं आपको समझा दूँ अच्छे से कि गाइज गिल्ड टूर्नामेंट के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको गिल्ड में ज्वाइन होना है और ज्वाइन होने के बाद मैं आपका गेम प्ले वगैरह चेक करूंगा, बहुत टाइम कुछ टाइम के लिए आपको रैंक वैंक खेलने के लिए भी बुलाऊंगा। वहां पर अगर आप लोग रैंक खेलने आओगे तो गाइस जहां पर मैं आपका मूवमेंट स्पीड गेम प्ले और आपके खेलने का तरीका देखने के बाद आपको टूर्नामेंट में डालूंगा अपनी स्क्वाड की तरफ से। और गाइस इस सीजन में 12,000 स्कोर पर हूं गाइस, तो और नेक्स्ट सीजन में करने वाला हूं ग्रैंड मास्टर और ट्राई करूंगा रीजन जाने का। तो गाइस अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और गाइस आप लोगों को रैंक पुश की टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए कि नहीं आप लोग जरूर से बताना, क्योंकि बहुत सारे बंदों को रैंक पुश करना ही नहीं आता। तो ब्रो मैं रैंक पुश की टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों को बता दूंगा, कैसे आपको स्क्वाड बनाना है ये भी बता दूंगा। इसके लिए गाइस आप लोगों को वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और कमेंट में बताना होगा कि रैंक पुश की टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए कि नहीं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा और गुड बाय।